हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके। यानी कि हम लोग जा रहे हैं पोर्टफोलियो बनाने। दोस्तों एक मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कि सर पोर्टफोलियो बनाइए, तो मैंने जैसा कि उनको कहा था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा पोर्टफोलियो रहेगा। तो देखिए कितना बेहतरीन पोर्टफोलियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ दोस्तों। इसी को हम लोग पूरा बनाएंगे। जितना भी एनिमेशन इस बार इसमें देख रहे हैं आप, सब कुछ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जितना भी एनिमेशन है यहाँ पे, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये देखिए काउंटर चल रहा है हमारा, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। तो जितना भी एनिमेशन आप इसमें देखेंगे सब कुछ हम लोग एज इट इज बनाएंगे इस बार, ठीक है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाया उसमें भी हम लोगों ने एज इट इज काम किया। दोस्तों आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, इसको पोर्टफोलियो बनाए, कितना अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। यही नहीं दोस्तों, ये तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा ये स्क्रॉल बार जाता है वहाँ का वो एक्टिव हो जाता है। जैसे सर्विस पे स्क्रॉल बार है तो देखिए सर्विस वाला हमारा एक्टिव हो गया, कॉन्टेक्ट पे स्क्रॉल बार आएगा तो ये कॉन्टेक्ट वाला हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके का एनिमेशन आप लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है दोस्तों। यही चीज़ हम लोग एज इट इज बनाएंगे और आप लोग अपने शब्दों में इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, मैं तो यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, जैसे जस्ट फॉर कोड। यहाँ पे आप अपने बारे में बताएंगे, यहाँ पे अपना सोशल मीडिया का हैंडल देंगे आप लोग, और यहाँ पे अपने बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे मैं एज इट इज बनाऊंगा, बस आप लोग को बस कॉन्टेंट चेंज करना है, अपने बारे में बताना है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, ये देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ मैं रेस्पॉन्सिव में इसके। देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे नेम बार हमारे कितना अच्छा आता है, ये चीज़ हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे। और एक बार अगर आप लोगों ने देख लिया ना, वाकई में कह रहा हूँ 100% आप जिंदगी में कभी जरूरत पड़े तो आप हमेशा इसको बना लेंगे, ठीक है। इतना आसान है इसको बनाना, ठीक है। कितना आसान है वो असल में एक्सप्लेनेशन के ऊपर होता है कि आप कितनी आसानी से लोगों को बता पाते हैं, ठीक है। तो इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप लोग वाकई में समझ जाएंगे इस चीज़ को और फ्यूचर में आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ लेंगे इस चीज़ को। ये देखिए एक बार क्लिक करता हूँ तो कट जाता है और यहाँ पे दूसरा आइकन आ जाता है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये कट जाएगा और फिर से टॉगलर वाला आइकन आ जाएगा। तो इस तरीके का एनिमेशन आप लोग कैसे बनाएंगे और कैसे इसको हम लोग अचीव करेंगे, यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और बस जुड़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन मतलब ये स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग इस वाले वीडियो में। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को चाहिए क्या, सबसे पहले तो आप लोग को एक लिंक चाहिए सीट मतलब बूट स्टेप, क्योंकि हम लोग जो बनाने जा रहे हैं दोस्तों ये HTML CSS एंड बूट स्टेप, इसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग बूट स्टेप का लिंक ले लेंगे। तो बूट आप लोग चाहें तो बूट स्टेप का CDN भी लगा सकते हैं, मैं तो डाउनलोड करके बूट स्टेप लगाने वाला हूँ। तो बूट स्टेप 5 मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, स्टेप 5 लिखे, मैंने बूट स्टेप 5 लिखा, इस वाले लिंक पे जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड क्लिक करेंगे। अगर जिन लोगों ने पहले वीडियो देखा है मेरा, वो लोग अगर डाउनलोड करते हैं तो वो लोग डाउनलोड नहीं करना उनको उसी फाइल से फाइल निकाल लेना है जो जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए डाउनलोड हो गया। चलेंगे फाइल में अपने जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, तो फाइल में जाएंगे, या देखिए डाउनलोड में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे और डेस्कटॉप यहाँ से चूज करें, ब्राउज करके डेस्कटॉप चूज करेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट फोल्डर करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखिए डेस्कटॉप पे ये हमारे आ जाएंगे, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये देखिए बूट स्टेप 5 नाम का एक फाइल मिल गया हमें इस तरीके से, है ना। तो इसमें जाएंगे तो आपको दो फोल्डर मिलेगा, एक तो CSS नाम का और एक JS नाम का, ठीक है। तो इसमें से हमें एक फाइल निकालना है और एक CSS से निकालना है, ठीक है, दो फाइल के काम है। तो दोनों फाइल अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग आ जाइए VS कोड में, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाइए इस तरीके से, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करिए, ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे आपको नाम देना न्यू फोल्डर। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे जाना है, ऑर्गेनाइज के बगल में न्यू फोल्डर लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको करना था, अब यहाँ पे नहीं क्लिक करने पे आप नहीं बनाना चाहते तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और देखिए न्यू फोल्डर, यहाँ पे जाएंगे न्यू फोल्डर, यानी कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस तरीके से, और न्यू फोल्डर आप लोग यहाँ से जाकर बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पोर्टफोलियो हाइफन वेब, इस तरीके से मैं नाम दे दिया, आप लोग अपने हिसाब से नाम देंगे, मैंने अपने हिसाब से नाम दिया। इसको क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाए तो इसको सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, या तो इसके अंदर भी हम लोग अभी फाइल बना देते हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहीं से बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को अंदर से बनाना बताता हूँ। यहाँ पे पोर्टफोलियो हाइफन वेब को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर करके यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड को मैं कट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा सबसे पहले डैशबोर्ड पे, ये देखिए इस पर क्लिक कर लेना है, देखिए फोल्डर पे आपको क्लिक करना है, इधर नहीं क्लिक करना है, इधर वाले पे क्लिक करना है इस तरीके से, फोल्डर वाले पे, और यहाँ पे आपको एक फाइल फोल्डर बनाना है JS नाम का, एक JS नाम का फोल्डर बना लीजिए, फिर से इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, एक CSS नाम का फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए दो फोल्डर बन गए, तो ये फोल्डर है फाइल नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आपको एक और फोल्डर बनाना है कॉमन नाम का, जिसमें हमारा CSS बूटस्ट्रैप का CSS और बूटस्ट्रैप का JS रहेगा, ठीक है। तो कॉमन नाम का एक फोल्डर बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पे हमें जो है एक और फोल्डर बनाना है इमेजेस नाम का। तो यहाँ पे इमेजेस, इस तरीके से मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बना दिया, ठीक है। ये देखिए कॉमन, सॉरी कॉमन के अंदर ये बन गया, तो मैं इसको डिलीट करूंगा यहाँ से। देखिए मैंने डिलीट के बाहर बनाना है, कॉमन के बाहर, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आऊंगा इस तरीके से क्लिक करूंगा, और इमेजेस नाम का मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके से फोल्डर बना लें, देखिए चार फोल्डर बन गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डेस्कटॉप पे आप लोग को दिखाऊँ, तो देखिए पोर्टफोलियो वेब नाम का एक फोल्डर बना, उसमें कॉमन नाम का फाइल है फोल्डर है, CSS नाम का फोल्डर है, JS नाम का फोल्डर है, और इमेजेस नाम का फोल्डर है। अब हमें करना क्या है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से अरेंज कर लेता हूँ और कॉमन वाले फोल्डर में जाता हूँ। देखिए कॉमन वाले फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पे कॉमन वाले में जाना है इस तरीके से, एंड न्यू फोल्डर लेना है आपको, एक JS नाम का फोल्डर बना देना है इस तरीके से, एंड एक CSS नाम का भी आप लोग को फोल्डर बना देना है। इसमें हम लोग को क्या करना है, बस एक एक फाइल रखना है CSS नाम का। तो एक मैं एक वेल प्रिपेयर्ड आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। अब इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन करने से फायदा करेगा वो आप लोग आगे जान जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गया मैं बूट स्टेप वाले को ओपन कर लेंगे, देखिए बूट स्टेप वाले को मैंने ओपन किया, CSS में जाऊंगा सबसे पहले, और CSS में देखिए बूट स्टेप मिन डॉट CSS जो है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जो कॉमन फाइल के अंदर जो CSS है उसके अंदर डालेंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना कॉमन फाइल के अंदर जो CSS नाम का फोल्डर है उसमें, जहाँ से है ना। तो दोनों विंडो इस तरीके से ओपन कर लेंगे, अगर नहीं आप लोगों में ओपन हो रहा है तो और एक एक ओपन करेंगे, लेकिन कॉपी करके वहीं आपको रखना है। देखिए कॉमन फाइल के अंदर जो CSS है मैंने वहां पे रखा है, ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फिर से इस वाले विंडो में, JS नाम का जो फोल्डर है उसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे बूट स्टेप बंडल मिन डॉट JS, बंडल मिन डॉट JS है उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस पर मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे लाके JS में मैं पेस्ट कर दूंगा, यानी कि कॉमन वाले फाइल में। ये देखिए एक फाइल इसमें और एक फाइल इसमें, बस इतना फाइल बनाना है आपको, ठीक है। बस इसको कट कर देना है मुझे, देखिए मैंने इसको क्या किया कट कर दिया, और इसको भी मैं कट कर देता हूँ, और इसमें आ जाता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ गया मैं, सबसे पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML नाम का एक फाइल बनाना है हम लोग को, यहाँ पे क्लिक करना है। और फाइल बनाने के लिए और फोल्डर बनाने के लिए आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल बनेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट JS नाम का, इंडेक्स डॉट HTML नाम का आपको फाइल बनाना है, ठीक है। इस तरीके से index.html नाम का मैंने फाइल बना लिया दोस्तों, इसमें हम लोग सारी चीजें लिंक कर देंगे जो हम लोगों ने यूज किया है। तो शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू या एक्सक्लेमेशन का आप लोग सिंबल देंगे तो आपको HTML फाइल का कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से एंटर करेंगे तो ये देखिए HTML फाइल का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट को सबसे पहले चेंज करेंगे, यानी कि टाइटल को माई पोर्टफोलियो इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, माई पोर्टफोलियो है ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब आप लोग अपना लोगो भी लगा सकते हैं यहाँ पे इसी टाइटल के ऊपर, कैसे लगाएंगे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो माय पोर्टफोलियो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को यानी टाइटल को चेंज कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है लिंक करना है चीजों को। तो आप टाइटल के ऊपर या नीचे कहीं भी लिंक कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ टाइटल के ऊपर या नीचे कहीं, तो टाइटल के ऊपर ही लिंक कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो लिंक डॉट CSS का यूज करूंगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं CSS फोल्डर के अंदर जो हमारा इंडेक्स डॉट CSS रहेगा उसको लिंक करूंगा। तो इंडेक्स डॉट CSS अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, मैं क्या करता हूँ बना देता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए CSS पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे इंडेक्स डॉट CSS नाम का एक फाइल बना देंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हम लोग इसका यूज कर सकें। ये देखिए इंडेक्स डॉट CSS नाम का मैंने फाइल बनाया, और यहाँ पे मैं बॉडी को इस तरीके से सेलेक्ट करके कर दूंगा रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। फिलहाल मैं अभी कर रहा हूँ, बाद में हटाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाऊंगा और इसको मैं लिंक कर दूंगा, तो कहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर इस तरीके से इंडेक्स डॉट CSS नाम का जो फाइल है इसको हम लोग और इसमें लिंक कर देंगे। कंट्रोल ओ करके मैं उसको ओपन विद गूगल क्रोम कर दूंगा, ताकि मुझे दिखे कि कहाँ पे लिंक हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा, इसको मैं कट कर दूंगा, जो हम लोगों ने अभी बूट स्टेप डाउनलोड किया इसको मैं कट कर दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यानी कि हमारा CSS अच्छे से लिंक हो गया है, अब हम लोग इसमें काम कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ ये कोड, बस लिंक करना है खाली आप लोग को। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें इंडेक्स डॉट JS नाम का भी फाइल बनाना है, लेकिन फिलहाल हम लोग रहने देते हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें बूट स्टेप का CDN लिंक करना, तो लिंक का यूज करेंगे फिर से हम लोग इस तरीके से, एंड कॉमन फाइल के अंदर जो हमारा कॉमन फाइल के अंदर जाएंगे, CSS फोल्डर के अंदर जाएंगे, एंड जो बूट स्टेप मिन डॉट CSS उसको लिंक कर देंगे। उसके बाद इसके नीचे जस्ट आपको स्क्रिप्ट का यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट के साथ किसका यूज करना है दोस्तों, आप लोग को कॉमन फाइल के अंदर जो हमारा रखा हुआ है क्या रखा है, JS फोल्डर के अंदर जो हमारा बूट स्टेप बंडल मिन डॉट JS रखा हुआ है, ये हम लोग लिंक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको लिंक कर देना दोस्तों। यहाँ पे H1 का यूज करता हूँ मैं, मैं लिख देता हूँ माई पोर्टफोलियो, इस तरीके से मैंने लिख दिया माई
पोर्टफोलियो इस तरीके से मैंने लिखा। लोग आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे मैं कुछ क्लास यूज करता हूँ बूट स्टेप फाइव का, ताकि मैं इसको जो है देख सकूँ कि यहाँ पे काम कर रहा है। टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट हाइफन इन्फो इस तरीके से मैं लिखता हूँ, एंड एफ डब्ल्यू हाइफन गोल्ड इस तरीके से मैं लिखता हूँ कुछ क्लास, ताकि मुझे पता चले कि काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा दोस्तों, तो देखिए काम करेगा हमारा। ये देखिए बोल्ड हमारा मतलब टेक्स्ट सेंटर में चला गया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें बीजी हाइफन वार्निंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बीजी वार्निंग लगाया, तो क्या होगा, आप इसका बीजी बैकग्राउंड कलर, सॉरी यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो बैकग्राउंड कलर इसका ये चेंज हो जाएगा वार्निंग में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक और चीज लिंक करना है हमें, वो है हमारा एनिमेट डॉट सी एस एस, ठीक है। तो एनिमेट डॉट सी एस एस क्यों लिंक करेंगे, क्योंकि हमें एनिमेशन भी देना है इसमें, ठीक है। तो एनिमेट डॉट सी एस एस लिंक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, एनिमेट स्टाइल इस तरीके से लिखेंगे ये देखिए, और यहाँ पे इस वाली वेबसाइट में आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए मैं फिर से लिखता हूँ एनिमेट, सिर्फ एनिमेट लिखता हूँ, एनिमेट एनिमेट इस तरीके से लिखूंगा, एनिमेट डॉट सी एस एस, देखिए एनिमेट डॉट सी एस एस लिखेंगे, ठीक है। पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखिए लिंक का जो ऑप्शन मिले आपको इस तरीके से नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये देखिए मैं ऊपर हूँ, तो यहाँ से आप बहुत सारे एनिमेट आ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे, और लिंक कर लेंगे इसको, कॉपी करना है आपको यहाँ से ध्यान से, देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, कहाँ पे हेड में, तो आप इसको इसके नीचे यानी कि इसके ऊपर जो सी एस एस का फाइल है ना उसको ऊपर आप लोग कॉमेंट भी जरूर पास करेंगे, सॉरी हेड के अंदर का मैंने कोड कॉपी कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ हेड के अंदर का कोड यानी लिंक जो है उसको कॉपी करूंगा, हेड नहीं कॉपी करूंगा, ठीक है। कंट्रोल सी किया कंट्रोल भी करूंगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ ताकि ये आप लोग को अच्छे से दिखे, ये देखिए मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से अरेंज कर देंगे दोस्तों, ऐसी दिक्कत ना हो, ओके। ये देखिए मैंने अरेंज कर दिया, तो आपको करना क्या, एक्चुअली इसको स्क्रिप्ट फाइल के ऊपर ही लिंक करना है, जितना भी स्क्रिप्ट का फाइल रहेगा वो सी एस एस के फाइल के नीचे ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट पास कर दीजिए कि स्टार्ट सी एस एस लिंक एंड सी एस एस लिंक, है ना, इस तरीके से कमेंट पास कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट सी एस एस लिंक, है ना, इस तरीके से मैंने कमेंट पास किया, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट का मैंने लिंक किया है उसको उसके ऊपर मैं कमेंट पास करता हूँ स्टार्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट लिंक, है ना। तो इस तरीके से आप कमेंट पास कर दीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो फ्यूचर में कोड को लिंक करने में। देखिए मैंने दोनों साइड में कमेंट पास कर दिया है, आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर एंड कर देंगे सी एस एस को, ठीक है। तो एंड लिख दीजिए, तो आप लोग को मैं एक एक चीज बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कैसे काम करना है, ठीक है। एंड सी एस एस, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंड सी एस एस लिखना है आपको, एंड सी एस एस लिंक, है ना, इसे लिख दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे जस्ट एंड स्क्रिप्ट लिंक ये लिख देता हूँ, एंड स्क्रिप्ट लिंक, है ना, इस तरीके से, ताकि हमारा स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ हमें पता रहे, ठीक है। ये देखिए अब हमें और क्या करना है, हमें एक और चीज चाहिए दोस्तों, वो है क्या, हमें तो हम तो ये ले लिए एनिमेट डॉट सी एस एस, और यहाँ पे एनिमेट डॉट सी एस एस का एक और चीज हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जाऊंगा मैं, लिखूंगा एनिमेटेड, तो आप लोग को ये पता चल जाएगा आगे कैसे ये काम करना है। फिलहाल हम लोग टेस्टिंग करें, अभी सब कुछ हम लोग हटाएंगे, एनिमेटेड डबल अंडर स्कोर एनिमेट, सॉरी एनिमेट होता है पहले, एनिमेट होता है डबल अंडर स्कोर फिर एनिमेटेड इस तरीके से, फिर एनिमेटेड एनिमेट अंडर स्कोर बाउंस डबल अंडर स्कोर बाउंस इस तरीके से मैं लिखता हूँ। मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा दोस्तों माई पोर्टफोलियो में, ये देखिए अगर ये बाउंस नहीं हुआ तो यहाँ पे देखेंगे कुछ क्लास में मिस्टेक हुआ, एनिमेट एनिमेटेड यहाँ पे लिखना है ध्यान से, ठीक है, तभी ये वो कर गया, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ये देखिए यानी कि ये बाउंस कर रहा है। अब हमारे ये एनिमेट डॉट सी एस एस भी सही से लिंक हो गया, तो सारा लिंक बस हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी हम लोग हटाएंगे इसको, फिलहाल मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। तो लिंक आप लोग यूज कर लेंगे, उसके बाद आना है आपको एक और चीज लिंक चाहिए, तो लिंक आप लोग यहाँ से हम लोग उठाएंगे फ्रंट ऑप्शन की, कहाँ से, सी डी एन जे एस से, सी डी एन जे एस पे जाइए इस तरीके से, यहाँ पे लिखिए सी डी एन जे एस लिखेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी डी एन जे एस का पहला लिंक, यानी कि यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक कर लेना है सी डी एन जे एस वाले पे, और देखिए आप लोग नहीं नहीं उस पे नहीं क्लिक करना है दोस्तों, हम लोग कुछ दूसरे यहाँ पे कर दिए, तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को कौन से लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, ये देखिए सी डी एन जे डॉट देव है ना, सी डी एन जे एस इस पे क्लिक करना है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको जो भी सी डी एन चाहिए वहाँ से यूज कर पाएंगे यहाँ से। तो मुझे फॉन्ट अवसम का यानी कि फॉन्ट अवसम का सी डी एन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो, आप लोग यहीं से सी डी एन यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये देखिए फॉन्ट अवसम का इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट अवसम का सी डी एन मिल जाएगा। तो पहला लिंक जो मिले आपको इसको कॉपी करिए, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और ये भी हमारा क्या होगा लिंक होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर जस्ट यानी कि सी एस एस का लिंक है, तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें एक और चीज चाहिए, यहीं पे आएंगे सी डी एन जो डॉट जे एस के बाद हमें यहाँ पे लिखना है जे क्वेरी, जे क्वेरी का लिंक चाहिए हमें, तो आप लोग चाहें तो जे क्वेरी को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं कट कर देता हूँ,
ये मैं डॉट सीएसएस को भी कट कर दूंगा, इसको भी कट कर दूंगा, इसको भी उसको भी कट कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट ऑप्शन का मैंने लिंक यूज किया, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है। तो पहले जेक्वेरी का यहाँ पे यूज करिए, जेक्वेरी लिखेंगे इस तरीके से। देखिए पहले लिंक पे आपको जाना है जेक्वेरी पे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन रेडी इस वाले जेक्वेरी 3.6.1 इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करो, देखिए इस तरीके का फाइल आपको दिखेगा। कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करना है आपको, ध्यान से कंट्रोल एस करना है। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है और आपका जो पोर्टफोलियो वेब है उसको सेलेक्ट करना है। कॉमन फाइल में जाना है, जेएस में जाना है एंड यहीं पे आपको इसको सेव कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। इस तरीके से सेव हो जाएगा ये। अब आपको करना क्या, एक्चुअली यहाँ पे जाना है। देखिए सेव हो गया होगा तो हमें इसको लिंक कर देना है, तो लिंक यहाँ पे करेंगे। स्क्रिप्ट एसआरसी का यूज करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको यूज करना है स्क्रिप्ट एसआरसी का एंड यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ उसको एसआरसी, ठीक है। इस तरीके से लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे है, कॉमन फाइल के अंदर, ठीक है। तो कॉमन फाइल के अंदर जाऊंगा, जेएस के अंदर जाऊंगा, जो हमारा ये देखिए जेक्वेरी है उसको लिंक कर दूंगा। तो दोनों फाइल हमने लिंक कर दिया। अब मैं यूज करता हूँ इसका, इसके सीडीएन का। सीडीएन का यूज कैसे करेंगे, देखिए जेक्वेरी का सीडीएन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, फॉन्ट ऑप्शन का सीडीएन जो हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन का, इसका मैं एक आइकन यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट ऑप्शन और जो आइकन चाहिए आपको वहाँ पे देखिए पहले लिंक पे जाएंगे, जैसे हमें आइकन लिंक करना है तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे आप आइकन पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको आइकन सर्च करने को मिलेगा, यहीं से आइकन सारा सर्च करेंगे और हम लोग डालेंगे, तो ठीक है। जैसे हमें होम का आइकन चाहिए तो यहाँ पे होम लिखेंगे तो बहुत सारा होम का आइकन आएगा, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा होम का आइकन आया, लेकिन ये आपको सब कुछ यूज करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्री में, फ्री पे क्लिक करेंगे तो जो आपको फ्री वाला यहाँ पे देखिए वो आपको यूज करना है, ठीक है, जितना भी फ्री वाला है। तो जैसे कि मैं मुझे ये वाला यूज करना है तो इस पे क्लिक करूंगा, इसका ये लिंक कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहीं यहाँ पे कहीं भी आप कंट्रोल भी कर दीजिए, H1 के बाद भी कंट्रोल भी कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत। अब यही अगर आप लोगों ने CDN JS से लिंक किया है तब ऐसा काम करेंगे, अगर आप लोग कहीं और से लिंक कर रहे हैं आइकन के लिए तो आप लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, मैं जैसा बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे होम का आइकन आ गया, ये देखिए यहाँ पे आया, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहीं से स्टाइल का यूज करूंगा, स्टाइल का यूज करता हूँ इस तरीके से एंड फॉन्ट साइज मैं इसका थोड़ा बढ़ा दूंगा, फॉन्ट साइज में 50 पिक्सल रखता हूँ। तो इस तरीके जो सीडीएन दोस्तों बहुत अच्छा सीडीएन आता है, इससे आप लोग इसी तरीके से यूज करिए, मैं आप लोग को कमेंट रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीडीएन जेएस लिंक हो गया हमारा, anime.css भी हम लोगों ने अप्लाई करके देखा, ठीक है, बहुत सारी चीजें अप्लाई करके, यानी कि सब कुछ हमारा एडिटिंग काम कर रहा है दोस्तों। अब हम लोग पोर्टफोलियो की बनाने मतलब पोर्टफोलियो बना सकते हैं हम लोग अपना पोर्टफोलियो, यानी कि जो हम लोग ये बनाने जा रहे हैं पोर्टफोलियो दोस्तों, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ मैं। अब फॉन्ट ऑप्शन की जो लिंक है इसी तरीके से आप लोग निकालेंगे, यानी कि जैसे आपको गियर का आइकन चाहिए तो यहाँ पे गियर सर्च करेंगे इस तरीके से, और जैसे और फ्री वाले पे यहाँ पे टिक कर लेंगे, गियर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको गियर इसमें सर्च लगे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके एंड यहाँ पे लाके कंट्रोल सी करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके जस्ट आपको क्या करना है पेस्ट कर देना है इस तरीके से। मैं इंटर करता हूँ एंड कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गियर का भी आइकन आपको इसके सामने जस्ट देखने को मिलेगा, ये देखिए इसके बगल में दिखा, तो आपको इसको इसका भी फॉन्ट साइज में बढ़ा के दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ। फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग कंट्रोल करेंगे इंडेक्स डॉट सीएसएस से, ये देखिए रिलोड किया तो ये थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। और ये छोटा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लिया, यहाँ पे भी मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ ताकि ये भी बढ़ा रहे, ये देखिए रिलोड होगा तो ये भी हमारा बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फॉन्ट ऑप्शन का लिंक यूज किया। तो लिंक कैसे यूज करना है, सीडीएन डॉट जेएस पे जाना है और वहां से सर्च करना है। सीडीएन डॉट जेएस से यूज करते हैं आप तो आप फिर जो है कोई भी लिंक इसमें से यूज कर पा रहे हैं, यानी फ्री वाले में से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिंक का लेना। अब हम करने क्या जा रहे थे इसको मैं समझाता हूँ आप लोग को। चीज देखिए किस तरीके का एनिमेशन ये जो चल रहा है ये भी हम लोग बनाएंगे, इस तरीके का एनिमेशन जो काउंटर चल रहा है ये भी हम लोग बनाना सीखेंगे, इस तरीके का एनिमेशन यानी कि अपने स्किल के बारे में हम लोग बताएंगे कि हमें HTML कितना आता है, PHP कितना आता है, CSS कितना आता है, WordPress कितना आता है, JavaScript कितना आता है, सब कुछ हम लोग बताएंगे दोस्तों। लेकिन आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लेना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के बाद आप लोग वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो इसी से स्टार्ट होगी, ठीक है। और भी बहुत सारा काम हुआ है दोस्तों, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखिए जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नाम का प्लेलिस्ट है, मल्टी वेबसाइट नाम का प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट है, वर्ड गेसिंग गेम है, PHP बजट एप्लीकेशन है, बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट है दोस्तों, बूटस्ट्रैप चैप्टर वाइज लर्निंग, जावास्क्रिप्ट सब्जेक्ट वाइज लर्निंग, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है, जेक्वेरी चैप्टर वाइज लर्निंग है और PHP प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप लोग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सब में चेकआउट कीजिए, अगर जो जो आप लोग को नहीं आ रहा है वो आप लोग वहां से जाके देख लीजिए और करिए। देखिए जावास्क्रिप्ट में कितना सारा हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये सब आपके वेबसाइट में यूज होता है इसलिए मैंने बनवाया, ठीक। बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग ने बनाया, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखिए। यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट होने वाला है पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैं एक पोर्टफोलियो मैं नाम दूंगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट का माई पोर्टफोलियो दूंगा या तो मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट दूंगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेलिस्ट लिंक होगा, आप लोग को वहीं से सारे वीडियो एक्सेस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस यही पोर्टफोलियो हम लोग बनाएंगे एजिटेज, देख लीजिए इसमें क्या काम है,
ये देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा एक और इधर से नेपाल खुल के आता है। ये देखिए इस तरीके का आप लोग बना लेंगे एक बार तो आप लोग फ्यूचर में कभी भी 100% दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इतना डॉक्यूमेंटेशन आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। ये देख लीजिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन को कितना वेल प्रिपेयर किया ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोनों लिंक हम लोगों ने यहाँ पे लिंक कर लिया, यूज कर लिया, यानी कि एक सीएसएस का है बूटस्ट्रैप के और एक हमारे जेक्वेरी का है, ठीक है। तो जेक्वेरी का थोड़ा सा कोड है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट करूंगा पोर्टफोलियो वाले में, कहाँ है हमारा पोर्टफोलियो, ये है, इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बस क्लोज और ओपन करने का, तो 6-7 लाइन का कोड है बस। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होता है, क्लिक करता हूँ तो चला जाता है। तो इस तरीके का जो एनिमेशन है या कोड है, अगर हम लोग डिकोडिंग में करें थोड़ा सा कोड रहता है वो हम लोग आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो सीएसएस भी बना पाएंगे लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा रिस्की कोड है, ठीक है। तो हम लोग जब थोड़ा सा कोड से काम हो रहा है हमारा और वो भी बहुत ईजी में, तो हम क्यों जाए मतलब ज्यादा कोड करने, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग को इतना डॉक्यूमेंटेशन जरूर प्रिपेयर करना है तभी आप लोग आगे का कोड कर पाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर के बारे में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों पूरा वेबसाइट एजेंट बनाएंगे, मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जो इस तरह एक पोर्टफोलियो का वेबसाइट शुरू करिए, तो मैंने जो है उसको रिप्लाई भी किया था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट 100%। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही हमारा पोर्टफोलियो दोस्तों, इससे अच्छा पोर्टफोलियो हम लोग बनाएंगे लेकिन फिलहाल हम लोग इसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक पोर्टफोलियो है आपको, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊंगा किस चीज कैसे क्या यूज करना है। आप लोग को डोंट वरी, आप लोग मतलब परेशान मत रहिए, जो भी आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। कोई भी दिक्कत होने पर आप हमें ईमेल करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज बता दूँ, जितना भी इमेज मेरे लिए यूज होगा मैं तो इमेजेस फोल्डर के अंदर रख के आप लोग को भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग को अपना इमेज यूज करना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे क्या इमेज यूज करना है, ठीक है। और आप लोग चाहें तो मेरा भी इमेज यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।